सो नेक्स्ट टॉपिक द कॉम्प्लेक्स नंबर इज nth रूट ऑफ यूनिटी। डिमोवर्स थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उससे रिलेटेड nth रूट ऑफ यूनिटी, तो उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं z की पावर n बराबर। डिमोवर्स में हमने कल देखा था कि अगर यहाँ जेड नोट हो तो क्या करते हैं, पहले इसको हम यूलर फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद 2k बाई आर्ग्यूमेंट जोड़ते हैं और n को इधर भेजते हैं, फिर k की वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक रखते हैं। तो सेम लॉजिक से 1 को आप लिख सकते हो e की पावर आयोटा, आर्ग्यूमेंट 0, उसमें 2k बाई ऐड कर दो, फिर n को इधर ले आओ, तो z आपका आ जाएगा e की पावर आयोटा 2k पाई बाय आएगा। अब देखो इसमें k की वैल्यू रखोगे, अगर k रखोगे 0 तो z1 आपका आएगा e की पावर आयोटा, e की पावर 0 मतलब 1 ही आ जाएगा। अगर k बराबर 1 रखोगे तो z2 आएगा, वो आएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, मतलब cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय n। सिमिलरली k की जगह अगर 2 रखोगे तो नया रूट आ जाएगा e की पावर आयोटा 4 पाई बाय n, दैट इज cos 4 पाई बाय n प्लस आयोटा sin 4 पाई बाय n। चलते चलते लास्ट वैल्यू रखोगे k की जगह n माइनस 1, तो nth रूट आ जाएगा e की पावर आयोटा ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 पाई बाय n बराबर cos 2n माइनस 1 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2n माइनस पाई अपॉन n। अब अगर कोई सोचे k की वैल्यू आगे n रखूं तो क्या होगा, n रखोगे तो देखो वापस n से n कट जाएगा, तो cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, तो वो 1 ही आ जाएगा। मतलब इसके बाद से वापस यही रूट्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है k की वैल्यू अब 0 से n माइनस 1 रखो, कोई भी रखो, बट कोई भी n कंसेक्यूटिव रखो, इट्स बेटर कि 0 से n माइनस 1 रख दिया तो सारे हमें एक एक करके रूट्स मिल जाएंगे। अब देखो अगर मैं इसको इसमें रखता हूँ तो भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको यहाँ रखूंगा तो भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई इसको इसमें रखो, उसकी पावर n करो, तो cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई वो भी 1 होता है। यहाँ करोगे cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई वो भी 1 होता है। तो इन सबकी पावर n करने पे वैल्यू 1 आ रही है, मतलब अगर 1 की पावर 1 बाय n करें, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी करें, तो ये सारे के सारे उसके रूट्स आएंगे। भाई इसकी पावर मान लो n की जगह 5 होता, इसकी पावर 5 करने पे अगर बना रहा है, इसकी पावर 5 करने पे बना रहा है, इसकी पावर 5 करने पे बना रहा है, इट मींस वो सारे के सारे किसके रूट हैं, 1 का 1/5 रूट है। ठीक है ना भाई, 1 की 1/5 को हमने क्या मान लिया z, तो z की पावर 5 बराबर कितना हो गया 1। तो सारे के सारे अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं मतलब कि वो सारे के सारे उसके रूट्स हैं, इसी को बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब इसको हमने नाम दे दिया स्पेशल, इसको अल्फा बोल दिया, इसको अल्फा स्क्वायर बोल दिया, ऐसे ये अल्फा की पावर n माइनस 1 हो गया, इसको 1 ही रहने दिया। ठीक है, तो हमने कुछ बातें ऑब्जर्व करनी है, ध्यान दें कि जो रूट्स है ना nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या है, वो है 1, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इनमें खासियत क्या है, पहले तो ये देखें, ऑल रूट्स मेक जीपी विद कॉमन रेशियो बराबर अल्फा, दैट इज e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, दैट इज cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय। ये पहला पॉइंट है कि सभी रूट्स क्या करते हैं, जीपी बनाते हैं। ठीक है, और हमने क्या बताया, हमने क्या ऑब्जर्व करा कि ऑब्वियसली सबका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। इसका मोड भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। भाई r into e की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में देखोगे तो सबका r 1 है। ऑल हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इट मीन्स अल्फा का मैग्नीट्यूड भी 1 है, अल्फा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी 1 है,
ऐसे अल्फा की पावर एन माइनस वन का मैग्नीट्यूड भी वन है. दैट इज ऑल रूट्स, हम कह सकते हैं ऑल रूट्स लाई ऑन अ सर्कल ऑफ सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस इक्वल्स टू वन. कैसे भाई, ध्यान दो, अगर हम सबसे पहले इसको रखेंगे वन, तो वन यहां आ गया. अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी वन है, बट इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, टू पाई बाय एन. तो यहां से आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, टू पाई बाय एन. तो यहां पे आएगा. फिर जेड टू इसको प्लॉट करूंगा अल्फा स्क्वायर को, जेड थ्री को, तो इसका मैग्नीट्यूड भी वन है, मतलब उसी सर्कल पे लाई करेगा, बट इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, फोर पाई बाय एन, फोर पाई बाय एन. तो अगर मैं रियल एक्सिस से एंगल बनाऊंगा फोर पाई बाय एन, तो टू पाई बाय एन आ गई ये, और टू पाई बाय एन आ गई और चले जाएंगे, यहां जाएंगे तो ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा, इस तरह चलता रहेगा, सारे के सारे रूट्स इस सर्कल पे आएंगे, और जो लास्ट आएगा उसका आएगा आर्ग्यूमेंट ये टू एन माइनस वन पाई बाय एन, मतलब टू पाई माइनस टू पाई बाय एन, टू पाई माइनस टू पाई बाय एन, तो इससे नीचे टू पाई बाय एन, ये आ गया आपका अल्फा की पावर एन माइनस. तो जैसे डिमोवर्स में हमने बात कर दी, सिमिलर लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि जो भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, जितने भी आएंगे n आएंगे, वो सारे के सारे क्या है, एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर जीरो जीरो है, जिसकी रेडियस वन है, ठीक है, और सबका जो आर्ग्यूमेंट्स है वो टू पाई बाय एन, टू पाई बाय एन, टू पाई बाय एन, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा. तो इस चीज को भी हम लिख सकते हैं कि बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट्स, कंसेक्यूटिव रूट्स एंगल कितना है, टू पाई बाय, टू पाई बाय एन, ठीक है भाई. सबका मैग्नीट्यूड वन है, सबका आर्ग्यूमेंट किसी का जीरो, किसी का टू पाई बाय, फिर फोर पाई बाय, सिक्स पाई, इस तरह करते करते सारे के सारे सर्कल पे लाई करेंगे, इस तरह ये प्लॉट होंगे, सबकी रेडियस वन है, मतलब सबका मैग्नीट्यूड वन है. तो वही हमने लिखा ऑल हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब सभी एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर जीरो है और रेडियस वन है. सभी दो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव के बीच के एंगल देखोगे तो आएगा टू पाई बाय एन, टू पाई बाय एन, टू पाई बाय एन, इस तरह से गैप में वो चलेंगे, ठीक है. और सभी रूट्स ही क्या बनाते हैं, जीपी बनाते हैं, जिसका कॉमन रेशियो क्या, अल्फा. अल्फा हम किसको बोल रहे हैं, ई की पावर आयोटा टू पाई बाय एन को. यहां तक की बात क्लियर है, हेलो. यस सर, ठीक, हाँ जी, चले आगे. यस सर, ठीक. तो देखो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो एग्जांपल की तौर पर बात करें, मान लो z की पावर 5 बराबर 1 को आप सॉल्व करें, तो इसके पांच रूट आएंगे. तो वो पांच रूट कैसे आएंगे, अगर आप उन सर्कल पे प्लॉट करोगे, भी वन तो आएगा ही आएगा, पांच है तो 360 पूरा 2 पाई को पांच में डिवाइड करोगे तो 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 अप्रोक्स 72 डिग्री का गैप आएगा. तो पहला आएगा यहां अल्फा, जिसमें गैप कितना होगा 2 पाई बाय 5, फिर आएगा 4 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 इधर हो गया अल्फा स्क्वायर, फिर आएगा 6 पाई बाय 5, वो यहां आ जाएगा पाई से आगे, है ना, 2 पाई बाय 5 इधर अल्फा क्यूब, फिर आएगा 8 पाई बाय 5, तो वो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और फिर ये पांच अल्फा फोर, ठीक है. इस तरह से वो सारे के सारे रूट्स आएंगे. और अगर मान लो जेड की पावर 6 की बात करें तो क्या आएगा, 60-60 में गैप आएगा, 60-60 डिग्री का, है ना, पहला यहां आएगा वन, फिर 60 डिग्री पे यहां आएगा अल्फा, मतलब पाई बाय 3 पे, फिर 120 पे यहां आएगा अल्फा स्क्वायर, ये भी पाई बाय 3 है, फिर पाई बाय 3 यहां पे आएगा माइनस 1, फिर पाई बाय 3 इधर जाएगा, ये अल्फा क्यूब हो गया जिसको माइनस 1 बोल दिया, ये अल्फा 4 हो गया और इधर अल्फा 5 हो गया. तो एक बात हमें क्लियर है, अगर n इवन होगा, अगर z की पावर n में n इवन है, देन माइनस 1 इज आल्सो रूट ऑफ इक्वेशन. तो वो तो हमें क्लियर है, वैसे क्लियर है, और वो इस डायग्राम से भी दिख रहा है आपको, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आधे इधर आएंगे फिर आधे रूट इधर आएंगे, क्लियर है.
अब इसमें जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना वो देखने लायक ये है, इस डायग्राम में शायद अभी आपको इजीली ना दिखे, आप इधर देखो, क्या ये दोनों रूट एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे एकदम सीध में, सिमेट्री से देखोगे तो एंगल घुमा के, हाँ जी बोलो, क्या ये पाई बाय थ्री ऊपर, ये पाई बाय थ्री नीचे है, तो इनका तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, यस ऐसे इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, यस तो अब ये बोल सकते हो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है भाई, वाई कोऑर्डिनेट मिरर इमेज ही तो ले रहे हो, इसकी नीचे है इसकी ऊपर आएगी, ऐसे यहां देखो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो अगर इस जनरल डायग्राम की बात करें तो यहां पे ना अगर हम दिखाना चाहें तो ये अल्फा और ये अल्फा की पावर एन माइनस वन, ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है, ऐसी अल्फा स्क्वायर के पीछे होगा यहां अल्फा की पावर एन माइनस टू, ये भी एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो अल्फा एंड अल्फा की पावर एन माइनस वन आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ऐसे अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा की पावर एन माइनस टू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो अगर अल्फा की पावर एन माइनस वन का कॉन्जुगेट बताना हो तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्लियर है, या ये बोल लो अल्फा की पावर एन माइनस वन अल्फा बार के बराबर है, और अल्फा बार किसके बराबर होगा, वन अपॉन अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि अल्फा एक यूनिमोडुलर है, यूनिमोडुलर का नंबर और उसका बार एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो देखो यहां से भी क्लियर है, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो अल्फा की पावर एन बराबर वन ही तो आएगा, तो वो तो सही है ना, क्योंकि अल्फा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बात समझ में आती है, ये चीज इसके बराबर भी है और ये चीज इसके बराबर भी है। हाँ जी अगर मैं दोबारा एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर मैं बोलूं ये किसका बार है तो ये अल्फा स्क्वायर का बार है, और अल्फा स्क्वायर यूनिमोडुलर है तो ये वन अपॉन अल्फा स्क्वायर के बराबर भी है, तो यहां से देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो भी बना रहा है, तो ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर है, एंड सिमिलरली इस तरह से सारे रिलेशंस होल्ड करेंगे, क्या ये बात क्लियर है कि वन के आगे का रूट और वन के पीछे वाला रूट एक दूसरे के इस तरह कॉन्जुगेट में चलेंगे, ठीक है, यस सर तो पहली बात तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, दूसरा ये क्योंकि वो सभी यूनिमोडुलर है, क्योंकि सबका मोड वन है तो वो खुद के रेसिप्रोकल के भी बराबर होते हैं, मतलब उनके जो कॉन्जुगेट है वो उसके रेसिप्रोकल के बराबर भी होते हैं, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है, उन पे बात कर लें, ये बात सारी नोट होगी तो बिठा दे, हाँ नो सर 1 मिनट रुक जी कर लो कर लो। देखो अब बात करते हैं उसी इक्वेशन की, जेड की पावर एन बराबर वन, मतलब जेड की पावर एन माइनस वन बराबर जीरो, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो कौन कौन है, वो है वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर एन माइनस वन तक, तो अगर मैं इसमें पहला पॉइंट आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब दैट इज वन इंटू अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर एन माइनस वन तक, अब आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में जैसे जेड की पावर स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी होता है, तो इसका रूट्स होता है जेड वन प्लस जेड टू बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, और जेड वन जेड टू क्या होता है बराबर सी बाय ए, अगर
अगर ऐसी क्यूबिक होती थी तो आपको याद होगा वहां पे जेड वन जेड टू जेड थ्री क्या होता था, माइनस प्लस माइनस डी बाय डी, है माइनस डी ना। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट का कोफिशियंट अपॉन पहले का कोफिशियंट इंटू माइनस वन की पावर एन। अगर दो है क्वाड्रेटिक तो दो, इंटू क्यूबिक है तो क्यूबिक। तो सिमिलरली एन डिग्री इक्वेशन है तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा माइनस वन की पावर एन इंटू लास्ट का कोफिशियंट क्या है, माइनस वन कॉन्स्टेंट अपॉन में जेड की पावर एन का कोफिशियंट वन। तो ये कितना आ गया, माइनस वन की पावर एन प्लस वन, या इसको बोल सकते हो माइनस वन की पावर एन माइनस वन। क्लियर है? हाँ जी, तो यस सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है, ध्यान रख सकते हैं। अगर जेड की पावर इवन है तो ये ओड है तो माइनस वन आएगा, जेड की पावर ओड है तो ये इवन है तो ये प्लस आएगा। दूसरा चीज जो हमें ध्यान रखना है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट जीरो होगा क्योंकि जेड की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट तो जीरो है, भाई। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, जेड की पावर एन से जस्ट अगला जो कोफिशियंट होता है माइनस वो अपॉन जेड की पावर एन का कोफिशियंट, याद है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यस सर, तो वहां पे जेड की पावर एन माइनस वन का कोफिशियंट है ही नहीं तो सम ऑफ रूट जीरो होगा। यस हाँ, सम ऑफ रूट जीरो होगा। तो देखो यहां पे अगर मैं इस उसमें लिखूं, ये तो वन आ गया, अल्फा क्या था हमारा कॉस टू पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन टू पाई बाय एन, ऐसी अल्फा स्क्वायर क्या था कॉस फोर पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन फोर पाई बाय एन, ऐसे लास्ट वाला क्या था कॉस ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन पाई बाय एन बराबर जीरो। अब देखो इसमें रियल रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजनरी इमेजनरी पार्ट अलग कर लो, तो वन प्लस कॉस टू पाई बाय एन प्लस कॉस फोर पाई बाय एन से लेके कॉस टू टाइम्स एन माइनस वन पाई बाय एन बराबर क्या आ गया जीरो, एंड आयोटा के साथ वाला जो पार्ट है साइन टू पाई बाय एन प्लस साइन फोर पाई बाय एन प्लस से लेके साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन पाई बाय एन बराबर जीरो आ गया। तो यहां से दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ये कॉस टू पाई बाय एन प्लस कॉस फोर पाई बाय एन से लेके कॉस ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन पाई बाय एन बराबर माइनस वन होता है, एंड साइन टू पाई बाय एन प्लस साइन फोर पाई बाय एन से लेके साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन पाई बाय एन बराबर जीरो होता है। आप तो ये याद रखें ऊपर टू के पाई होता है नीचे एन होता है, नीचे जो वैल्यू है मतलब टू पाई को उतने भागों में डिवाइड करा, अगर नीचे 10 है तो ऊपर टू पाई टू इंटू टू पाई टू इंटू नाइन पाई तक जाएगा, एक से लेके 9 तक जाएगा। क्लियर है? यस और एक बात देखो बहुत, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये चीज हम पहली बार देख रहे हैं, आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था कि साइन में कभी सीरीज हो और एंगल एपी में हो, या कॉस में सीरीज हो और एंगल एपी में हो तो उन सीरीज का सम करना हमने सीखा था। जैसे साइन वाली सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, साइन इंटू एन टाइम्स बीटा बाय टू मतलब कॉमन डिफरेंस बाय टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय टू इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, याद है? यस तो अगर आप वो फॉर्मूला भी लगाओगे इसमें तो भी आंसर जीरो ही आएगा, और इसमें लगाओगे तो भी आंसर माइनस वन ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से ये रिजल्ट मिल रहा है, हम तो ट्रिग्नो में पैसे ही जानते हैं सम एंगल एपी में हो सीरीज का फॉर्मूला, बट हाँ यहां से भी वो चीज डिराइव हो रही है। ठीक है, भाई कल को मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, कॉस टू पाई बाय टेन प्लस कॉस फोर पाई बाय टेन से लेके नीचे 10 आ रहे हैं ना, 10 नीचे क्या आ रहा है 10, तो ऊपर कहां तक जाएगा 9 तक जाएगा, तो 2 पाई इंटू 9 मतलब कॉस 18 पाई बाई 10 तक जाएगा, तो ये पूरी सीरीज का सम कितना आएगा माइनस वन ही आएगा, अगर आप इस तरह से याद रखें। अदरवाइज नहीं भी याद रखेंगे तो हम वो फॉर्मूला लगा देंगे सम एंगल वाला, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। और याद कैसे रखना है कि कॉस के अंदर एक सीरीज है सम में,
नीचे एन मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ऊपर 2k पाई होता है, तो k की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, n-1 तक, उसका बराबर -1 है। यहाँ पे 1 से लेके कहां जाएगी, n-1, उसका सम 0 है। और कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं, आप वो वाला फॉर्मूला लगाएं तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी यस सर। ये ऊपर वाला मिटा दे। अच्छा मिटा दो सर। थर्ड पॉइंट है इसमें, ये भी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, कि अगर मान लो कोई नंबर है पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो अगर 1 अल्फा की पावर मतलब जो सभी रूट्स है ना जितने हमारे सबकी पावर पी कर दिया मैंने, 1 की पावर p, α की पावर p प्लस α² की पावर p प्लस α³ की पावर p मतलब इक्वल्स टू α² n-1 की पावर p। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने सबकी पावर को n से p से रेज कर दिया, तो ये आ गया 1 प्लस α की पावर p प्लस α की पावर 2p प्लस α की पावर 3p से लेके α की पावर p की पावर n-1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि एक जीपी है, जी बोलो, जीपी है एक जिसका कॉमन यस कॉमन रेशियो अल्फा की पावर पी है। अब एक बात बताओ, जीपी का सम क्या होता था, ए इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, या r की पावर n-1 अपॉन r-1, याद है आपको? यस सर। हाँ, 1 माइनस r क्या है, अल्फा की पावर p की पावर n, n मतलब कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स n, अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर p। लेकिन ये फॉर्मूला होता कब था, जब कॉमन रेशियो 1 ना हो, याद है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा की पावर पी क्या नहीं है, 1 नहीं होना चाहिए, और अगर अल्फा की पावर पी 1 हो गया तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, एन टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, एन आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर बोलो, ये ऑब्वियस सी बात है, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r जीपी का सम होता है। अगर r 1 नहीं होता, अगर कॉमन रेशियो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n बार जुड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, n आएगा। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। तो ये समझ में आ गया। यस सर। नाउ अल्फा की पावर पी जो 1 होगा या नहीं होगा, उसकी क्या कैसे पता चलेगा, तो अल्फा की पावर पी है क्या, अल्फा की पावर पी मतलब कि ई की पावर आयोटा 2π/n की पावर p, यही तो है। तो पावर पी मतलब ई की पावर आयोटा 2π/p/n। अब एक ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब इसमें आयोटा वाला टर्म तो 0 हो जाए और कॉस वाला टर्म 1 हो जाए, तो वो तो तभी होगा ना जब उनका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर जी? तो अगर जो पी है पी वो एन का मल्टीपल हुआ, तब तो ये 1 होगा, पी इज मल्टीपल ऑफ एन। एंड इफ पी इज नॉट मल्टीपल ऑफ एन, तो ये 1 नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। तो बस आंसर आया एन, जब अल्फा की पावर पी मल्टीपल है, तो पी क्या है, पी इज मल्टीपल ऑफ एन, एंड इफ पी इज
नॉट मल्टीपल ऑफ एन, तो देखो अल्फा की पावर पी, पी कितना है यहां पे, इसको थोड़ा सॉल्व करो इसको, 1 माइनस अल्फा कितना है, अल्फा ई की पावर आयोटा 2π/n की पावर पी एन, एन से एन कट गया, 1 माइनस अल्फा पी, क्या ऊपर ये आ गया, 1 माइनस कॉस 2π p प्लस आयोटा साइन 2π p अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर पी, ये 0 हो गया और 1 माइनस 1 0 हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो सीरीज थी, जो ये तो मैं प्रूफ समझा रहा था, अभी तक काम की बात यही है, इस सीरीज का आंसर हमेशा दो ही होगा, क्या या तो वो 0 होगा या वो n होगा। 0 कब होगा, अगर p मल्टीपल ऑफ k n नहीं है, अगर p मल्टीपल ऑफ n है तो आंसर n होगा, बस ये दो बातें ध्यान रखिए आप, कि अगर किसी भी nth रूट ऑफ यूनिटी के सभी रूट्स को सेम पावर से रेज कर दें तो उन सब का जो सम है वो या तो 0 होगा या n होगा। 0 कब होगा, जो जो पावर p है वो अगर n का मल्टीपल नहीं है तो 0 होगा, और अगर n का मल्टीपल है तो आंसर 1 होगा। क्या ये बात क्लियर है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा इससे समझ में आ जाएगा आपको, एग्जांपल से समझे इस कहानी को क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल दिया आपको कि अल्फा दिया आपको, या अल्फा छोड़ो जेड है, अल्फा दिए चलो ई की पावर आयोटा 2π/6, क्या इसको देखते ही आप समझ जाओगे कि ये सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। हाँ जी, अल्फा क्या है 2π/n है ना, तो ये क्या है, ये सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब जेड की पावर 6 बराबर 1 को जब सॉल्व किया गया तो उसके जो 6 रूट आएंगे वो ये आएंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 और अल्फा की पावर 5। क्या ये बात समझ गया इसको देख के। हाँ यस अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला मैं पूछ रहा हूं आपसे, 1 प्लस अल्फा की पावर 12 प्लस अल्फा की पावर 24 प्लस अल्फा की पावर 36 प्लस अल्फा की पावर 48 प्लस अल्फा की पावर 60, और दूसरा मैं पूछ रहा हूं 1 प्लस अल्फा की पावर अपने क्या बोलते हैं, 6 है ना ये, 5 10 की पावर 20 प्लस अल्फा की पावर 30 प्लस से लेके अल्फा की पावर 40 प्लस अल्फा की पावर 50। दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, आपको तुरंत प्रॉपर्टीज याद आ गई है अगर, अब आप क्या सोचोगे कि जो सभी रूट्स हैं सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स हैं, क्या उन सब की पावर इसमें कितनी रेंज की रहेगी, ये 12, 12 12 24 36 48 60, मतलब अगर यहां से कंपेयर करो तो इस केस में पी की वैल्यू कितनी है, 12 है। हाँ जी, और इस केस में यस सर सबकी पावर 10 रेज करिए तो इस केस में पी की वैल्यू 10 है। यस सर ये तो देख के समझ में आ ही रहा है ना, अल्फा की पावर पी, अल्फा 2 की पावर पी, अल्फा 3 की पावर पी, तो पी क्या है इसमें, 12 है इसमें 10 है, ये बात समझ में आती है। यस सर और सभी रूट्स हैं तो दो ही चीजें होंगी, या तो एन है या 0 है। तो अब क्या देखना होता है कि जो सर पी है वो एन का मल्टीपल है या नहीं है। एन क्या होता है कि कौन सा रूट है, जैसे सिक्स रूट ऑफ यूनिटी है तो यहां एन की वैल्यू 6 है, यहां एन थी, तो 6 का मल्टीपल 12 है। बोलो, तो पी एन का मल्टीपल अगर है तो आंसर क्या होता है, एन मतलब आंसर क्या होगा इसका, 6, बिकॉज 12 इज मल्टीपल ऑफ, सीधे लिख लो 12 इज मल्टीपल ऑफ 6, और यहां पे जो 10 है 10 वो 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमने पहले प्रूफ करी वो याद रखी, क्या कि सारे रूट्स की पावर सेम रेज कर दी, सबको एक पावर दे दी के, और सबको जोड़ दिया, तो अगर वो के जो है वो एन का मल्टीपल है तो आंसर एन है, अदरवाइज 0 है, सिंपल सी बात है, ठीक है।
हाँ जी यस सर। हाँ, बस इसको ध्यान रखें। चले आगे, एक प्रॉपर्टी हो रही है इसकी, वो भी ध्यान रखें। सर प्लीज नोट कर लें एक बार। कर लो। चले भाई, अब यस सर। देखो पॉलिनोमियल में हमने बेसिक सी चीज सीखी थी क्वाड्रेटिक में कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मान लो जेड की पावर एन माइनस वन, इसके जितने भी रूट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जेड माइनस रूट्स, जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन, पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, जितने रूट होते हैं उस तरह जेड माइनस वैसे ब्रैकेट बना के बाहर लीडिंग कोफिशिएंट जेड की पावर एन का यहां बना, तो यहां भी बना है। आपको पता ना कि इसको हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज एन आइडेंटिटी। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा नहीं लिखते थे, वही तो लिखा है। एक्स की जगह जेड है, एन रूट है, तो एन ब्रैकेट है, रूट हमें पता है कौन कौन है, एक वन है, एक अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा की पावर एन माइनस वन है, तो ये हमेशा ट्रू होता है। यस सर। हाँ जी, अब इसको देखो साइड में, आपको एक फैक्टराइजेशन बेसिक मैथ्स में आपने सीखा होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, याद है ये नहीं आप, तो ये याद होगा x की पावर n माइनस y की पावर n होता है, x माइनस y इंटू x की पावर n माइनस वन से शुरू होता यस सर। है ना, x की पावर n माइनस वन होता है, फिर y नहीं होता, फिर x एक कम हो जाता है, x n माइनस टू इंटू वाई से लेके चलते चलते लास्ट में x की पावर वन बचता है, y की पावर n माइनस टू बचता है, फिर y की पावर n माइनस वन हो जाता है। ये फैक्टराइजेशन आपने सीखा होगा, तो अगर मैं इसको इससे फैक्टराइज कर दूं तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड माइनस वन इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर से लेके जेड की पावर एन माइनस वन बराबर जेड माइनस वन, जेड माइनस अल्फा स्क्वायर से लेके जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये उड़ा दूं दोनों तरफ से, यस तो एक नई आइडेंटिटी आपके सामने आ गई। ये इसको याद रखें, बहुत ही काम किए, बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। याद कैसे रखें, याद ऐसे रखें, कभी भी आपको वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन दिख जाएगा तो आप सोचोगे ये एक जीपी है, जीपी लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, जेड की पावर एन माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन बन जाएगा। उसके बाद आप सोचो जेड की पावर एन माइनस वन को आप ऐसे लिख सकते हो, जेड माइनस वन कट जाएगा तो यही तो बचेगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना कोई भी प्रॉब्लम में कि समथिंग माइनस अल्फा स्क्वायर, समथिंग माइनस अल्फा क्यूब इस तरह से, या समथिंग प्लस अल्फा स्क्वायर, तो आप समझ लेना वो इस आइडेंटिटी का ही यूज होगा, क्योंकि वो समथिंग की जगह कुछ भी रखोगे तो यहां मान लो टू रख दिया तो टू 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 वो सीरीज बन जाएगी, या माइनस टू रख दिया तो माइनस माइनस कॉमन लेके टू प्लस अल्फा स्क्वायर, इस तरह से सीरीज बन जाएगी। तो कभी भी किसी प्रॉब्लम में ये हिंट है आपको ये दिखाई दे तो आप इस आइडेंटिटी के बारे में सोचना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, करेंट एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो अपन इसकी प्रॉपर्टी निकालना चाह रहे हैं उसको ध्यान दें। अगर इसमें मैं जैसे मान लो सपोज जेड की जगह मैंने इसमें वन डाल दूंगा,
तो क्या ये बन जाएगा वन माइनस अल्फा, जो मैं कहना चाह रहा था वो चीज भी इसमें इंक्लूड हो गई, वन माइनस अल्फा स्क्वायर, वन माइनस अल्फा क्यूब से लेके वन माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन जो है वो वन प्लस वन पन वन वन एन बार आ गया, तो एन होगा। क्या ये चीज ट्रू है? हाँ जी, बस। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, पाए मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, वन माइनस अल्फा रेज टू पावर आर, एंड आर इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन, माइनस वन इक्वल्स टू एन, ये बोल सकते हो। यस सर अब मैंने क्या करा, इसमें दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, टेक मॉडुलस, देखते जाना कितनी शानदार चीजें होने वाली है। तो पाए आर बराबर वन, एन माइनस वन, वन माइनस अल्फा की पावर आर का मोड बराबर एन का मोड, दैट इज एन। अब ये देखो ऐसे कितने ब्रैकेट हैं, ऐसे एन ब्रैकेट्स हैं, सबका मोड है, तो मोड की प्रॉपर्टी से आप सबके अलग अलग मोड लिख सकते हो इसको, बोलो। यस सबके अलग अलग मोड लिख सकते हो, बेसिकली मोड को पाई के अंदर ले जा सकते हो। तो मैं अगले स्टेप में इसको लिखूंगा कि ये चीज ट्रू है, वन माइनस अल्फा की पावर आर। अब याद करो कल के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज रटने को कही थी, मतलब कि याद रख सको, तो कि ये चीज ऐसी चीज है कि जो क्या है फ्रीक्वेंटली मतलब आती रहती है ना। तो अल्फा क्या है, बेसिकली अल्फा क्या है, वन माइनस ई की पावर आयोटा टू पाई बाय एन इंटू आर पावर, है ना। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, वन माइनस ई की पावर आयोटा थीटा का जो मोड है वो होता है ट्वाइस ऑफ मोड साइन थीटा बाय टू, याद रखना इसको, बताया ना। तो यस सर ये वही तो लिखा है, वन यस माइनस आयोटा थीटा, तो इसका ट्वाइस करोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मोड, ट्वाइस ऑफ मोड साइन थीटा बाय टू, मतलब पाई आर बाय एन, पाई आर बाय एन का पाई प्रोडक्ट आर बराबर वन से लेके एन माइनस वन, ठीक है। अब इस चीज की मैं बात यहां से शुरू करता हूं, यहां तक पहुंच गए हम, पाए आर बराबर वन एन माइनस वन टू टाइम्स साइन थीटा बाय टू का मोड बराबर एन। अब एक बात बताओ, थीटा क्या है, पाई आर बाय एन, पाई आर बाय एन। देखो अगर आप इनको आप देखोगे कि कितने ब्रैकेट हैं, एक से लेके एन माइनस वन, तो हर एक में टू 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 आ रहा है, तो उसको बाहर लोगे तो टू की पावर एन माइनस वन आएगा, यस सर तो ये बन गया, यहां तक आ गए हम, ठीक है ना, साइन पाए आर बाय एन। अब एक बात बताओ, आर की वैल्यू वन है तो ये पाई बाय एन है, दो है तो पाई टू पाई बाय एन है, थ्री है तो थ्री पाई बाय एन है, मतलब कि कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आर की वैल्यू वन से एन माइनस वन है तो आर बाय एन की वैल्यू वन बाय एन से एन माइनस वन से एन है, तो पाई बाय एन की वैल्यू, पाई आर बाय एन की वैल्यू पाई बाय एन से पाई एन माइनस वन एन तक ही है, तो ये पाई से तो हमेशा छोटा है ना, ये एंगल हमेशा जीरो से पाई के बीच है, भाई पाई होता तो ऊपर एन होता, उससे भी छोटा है ये, तो ये एंगल हमेशा छोटा है, जीरो से पाई के बीच है, इट मीन सारे साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जीरो से पाई फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता तो आप मोड हटा सकते हो, यस सर ऑल साइन ऑफ एंगल्स आर पॉजिटिव क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू जीरो से पाई, इसलिए मोड हटा दो, इसलिए मोड हटा दो। ये छोटी छोटी बातें हैं एकदम बेसिक सी, जो मतलब हमारी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ये एडवांस लेवल पे जिस चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो मोड हटाने के बाद अब हम बन गया ये साइन पाए आर बाय एन का प्रोडक्ट आर बराबर एक एन माइनस वन बराबर एन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन। तो एक फॉर्मूला आया आपके सामने, आर की वैल्यू रखते जाओ, साइन पाए बाय एन साइन टू पाए बाय एन साइन थ्री पाई बाय एन से लेके साइन एन माइनस वन पाई बाय एन बराबर होता है एन अपॉन टू की पावर एन माइनस, क्लियर है?
सर। फॉर्मूला याद कैसे रखना है कि साइन, देखो साइन के प्रोडक्ट में हमने आज तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हमने ट्रिग्नोमेट्री में जब फॉर्मूला पढ़ा था, कोस के प्रोडक्ट में पढ़ा था कि एंगल हाफ या डबल हो रहे हैं। साइन के प्रोडक्ट में वहां कोई भी क्वेश्चन आता था तो आपको याद होगा, हम उसको कोस की सीरीज में कन्वर्ट करते थे, या मतलब साइन ए इंटू साइन बी से सम में जाते थे, याद है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस। और अगर कोई लंबी सीरीज होती थी साइन की तो वो 100% कॉस में कन्वर्ट होके वो स्टैंडर्ड बनी जाती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उससे हो जाएगा जो मैं एक एग्जांपल लूंगा। लेकिन अब हमें साइन में एक सीरीज मिल गई है, क्या कि साइन में सीरीज है प्रोडक्ट में, नीचे देखो पाई बाय एन है एन, तो ऊपर के की वैल्यू कहां से कहां, एक से लेके एन माइनस वन, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई से लेके एन माइनस वन पाई बाय एन तक, ये सारे टर्म अगर मौजूद है तो उसका आंसर होता है एन अपॉन 2 की पावर n-1। ठीक है, ये वाला कटा दो। सर। तो अब आप देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। याद करो एक सेम क्वेश्चन मैंने आपको ये ट्रिगो में कराया था, साइन पाई बाय 7 साइन 2 पाई बाय 7 इंटू साइन 3 पाई बाय 7 इंटू साइन 4 पाई बाय 7 इंटू साइन 5 पाई बाय 7 इंटू साइन 6 पाई बाय 7 क्या होता है, याद है मैंने उस टाइम आपको कहा था ये है पाई माइनस पाई बाय 7, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बन गया साइन पाई बाय 7 साइन 2 पाई बाय 7 इंटू साइन 3 पाई बाय 7 का स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको कॉस में कन्वर्ट करा था, फिर कॉस है कॉस बी में वो डबल एंगल वाली सीरीज बन गई थी और उसके बाद वो काम बन गया था आपका, याद है आपको। इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 6 पाई बाय 7 इस सॉरी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 7, तो 14, 7 माइनस 1 2 5 पाई बाय 14 है ना, 5 ही आएगा क्या। और यहां से आ गया, यस सर। यहां से आया था आपका पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 7 4 पाई बाय 14, और यहां से आया था कॉस 5 बाय 14। ना इसमें कुछ गड़बड़ है, यहां से आया सेकंड में सर 3 पाई बाय 7 आएगा सर। 4 पाई बाय, सेकंड में 3 पाई बाय 14 आ रहा है जो कॉस 4 पाई बाय 14 की जगह। हम वही देख रहे हो 2 पाई बाय 7 को घटाया किसमें से, पाई बाय 2 में से, तो 14, 7 माइनस 4 3 पाई बाय 14 आएगा, और ये 5 पाई बाय 14 आएगा। तो यहां पे भी डबल एंगल में सीरीज नहीं बनी भाई, इसके एंगल हाफ हाफ नहीं हो रहे ना, या तो ऐसा होता वहां पे हमने जो मैनिपुलेशन सीखी थी कि कोस में ले जाने के बाद इसका एंगल ये डबल, इसका एंगल ये डबल बनता, तब तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन अगर नहीं बनती है तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, साइन ए साइन बी को कन्वर्ट करो साइन ए प्लस बी, और उसमें फिर उसको इस अंदर घुसाओ, फिर उसको सॉल्व करो, इसके आगे प्रोसीड करो, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे सामने यहां एक स्टैंडर्ड क्या आ गया है कि ये वाली सीरीज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाल के दी है कि साइन के अंदर नीचे देखो 7 है, तो ऊपर पाई का मल्टीपल 1 से शुरू होकर 6 तक जा रहा है, जा रहा है, तो पूरी सीरीज मौजूद है, पूरी सीरीज मौजूद है, तो आंसर क्या आएगा एन की जगह 7 अपॉन 2 की पावर 7-1, 7 अपॉन 2 की पावर 6। क्लियर है, जी। यस। तो ये चीज आपने कभी नहीं पढ़ी थी पहले, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ने आपको प्रोवाइड करवाई है सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री की साइन की प्रोडक्ट में कोई सीरीज, ठीक है ना। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई ये सारी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस, मतलब आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एन एथ ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखें इन सबको। एक आज क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो मैंने बीच बीच में एग्जांपल लेके आपको बताई दी सारी चीज। मान लो ये आ गया, इसको सॉल्व करना है,
ठीक है, 1 प्लस 9, 3x प्लस 9x² प्लस 27x³ बराबर 0, तो x बता दो क्या होगा, रियल होना कोई जरूरी नहीं है। तो हमने देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, 3x को आपने t रख दिया है या z रख दिया है 3x को, तो ये सीरीज क्या लिखा है, 1 प्लस z प्लस z² प्लस z³ लिखा हुआ है। हाँ बोलो। यस सर। तो अभी मैंने बताया था जैसे ही आप ये सीरीज देखिए तो आप क्या सोचेंगे, ये तो लिखा है जेड की पावर 4 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, फिर आप इसको फैक्टराइज करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की z-1 z-α, ये तो लिखोगे, ये आएगा z-α z-α² और z-α³, ये तो याद रखने का पर्पज था, सीधा आप यहां से यहां जंप करेंगे। और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो बहुत आसान है, फोर्थ में तो हमें पता है सिमेट्रिकल आएगा, तो एक ये आएगा एक ये आएगा एक ये आएगा एक ये आएगा, मतलब ये बनाएगा ये आयोटा आएगा, ये माइनस बनाएगा ये माइनस आयोटा आएगा, तो 1 को छोड़ के बचे हुए 3 फैक्टर, तो क्या आ गया, z+1 z-iota एंड z+iota, क्या ये फैक्टराइज होके ये इसके बराबर आ गया, तो या तो जेड बराबर -1 होगा, या जेड बराबर आयोटा होगा, या जेड बराबर -iota होगा, जेड की जगह 3x रख दिया तो एक्स बराबर -1/3 होगा, या आयोटा बाय 3 होगा, या -iota बाय 3 होगा, इस तरह से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, 10 रूट्स हैं, 10 डिग्री इक्वेशन होगी, तो कितने रूट्स ऐसे हैं जो आपके रियल पार्ट जिनका नेगेटिव होगा, तो देखो थोड़ा सा पहले स्मार्टनेस दिखाएं, जेड की पावर 5 को अगर मैं टी बोल दूं तो एक क्वाड्रेटिक ही लिखी हुई है, और क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने आपको बहुत आसानी से आते हैं, तो इसके आप फैक्टर करोगे तो ये आएगा -32t प्लस 31t, दोनों का मल्टीप्लाई 992 आएगा, तो यहां से कॉमन आ गया t t -32 प्लस 31 t -32, तो t -32 इंटू t प्लस 31 बराबर 0, वापस t को z की पावर 5 -32 बराबर 0, या z की पावर 5 प्लस 31 बराबर 0। अब देखो जेड की पावर 5 बराबर 32, याद करो कल हमने डिमोवर्स थ्योरम में यही सीखा था कि इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप तो बस ये देखो, आप इसको लिखोगे 32 इंटू e की पावर iota 2k पाई, उसके बाद पावर 1/5 कर दोगे तो जेड आ जाएगा, तो अगर आप इनको प्लॉट करोगे तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, k की वैल्यू 0 आएगी, तो पहला वैल्यू तो 2 ही आएगा यहाँ पे जेड की जगह, बोलो 5 रूट आएंगे ना डिमोवर्स इसके, nth रूट ऑफ, आज तो हमने यूनिटी पढ़ा, कल हमने डिमोवर्स पढ़ा था जिसमें जनरल तरीका था सोल्व करने का, तो 5 आएंगे, वो भी 72-72 डिग्री के एंगल में होंगे। हाँ जी, यस तो उसमें से कितने रूट ऐसे हैं जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है, एक तो ये और एक ये, दो ही हुए, बाकी 3 तो इधर आ गए ना, हाँ जी सर एक बार फिर से बता दो ये वाली बात। ये 5 रूट प्लॉट होंगे 72-72 डिग्री के गैप पे, ये समझ में आ गया, ये कल बताया था डिमोवर्स में, तो यस सर। उसमें से कितने रूट ऐसे जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है, मतलब एक्स नेगेटिव है, तो इसके क्वाड्रेंट के इधर 2 ही तो जेड है, इधर वालों का पॉजिटिव है, इसलिए यस तो 2 रूट्स यस ऐसे हैं जिसमें रियल पार्ट नेगेटिव है, ये तो आधा पार्ट हुआ, ऐसे इसको सॉल्व करो, तो ये जेड की पावर 5 बराबर -31 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो -जेड की पावर 5 बराबर 31,
और माइनस जेड को जेड बोल दिया मान लो, तो जेड की पावर 5 बराबर 31 को सॉल्व करोगे तो वापस 72 से एंगल थोड़ा सा कम आएगा, तो भी अल्टीमेटली ऐसे 5 रूट मिलेंगे आपको, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर 31 पे भी। हाँ जी, यस सर। ये एंगल कितना होगा, क्या 72 72 डिग्री भी मिलेंगे, सॉरी ये भी 72 72 भी, क्योंकि 5 5 का गैप है। तो अब इसमें इस इक्वेशन के दो रूट ऐसे हैं जिनका पार्ट नेगेटिव है, 3 का पॉजिटिव है, लेकिन आपने जेड की जगह माइनस जेड रखा था, माइनस जेड की जगह जेड, तो एक्चुअली इस इक्वेशन के लिए तो 3 ऐसे हो गए जिनका नेगेटिव पार्ट होगा भाई, इसके 3 पॉजिटिव है तो इसके लिए 3 नेगेटिव हो जाएंगे। जी माइनस जेड को आपने जेड बोल दिया, अब आप कह रहे हो जेड के लिए 2 नेगेटिव है, मतलब 2 जेड नेगेटिव है, मतलब 2 माइनस जेड नेगेटिव है, मतलब जेड पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर ये जेड पॉजिटिव है मतलब माइनस जेड नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन के 3 ऐसे रूट होंगे जिनके रियल पार्ट नेगेटिव होंगे, तो यस सर। 2 इसके 3 इसके आंसर क्या आ गया, 5 आंसर। ठीक है, यस सर। ये टॉपिक था nth रूट ऑफ यूनिटी। अब इसका एक जो सब केस है जो हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ओमेगा वगैरह ये सब जो आता है जिसमें मेंस में भी जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी तो पहले हमने पढ़ा डिमोवर्स थ्योरम जनरल, कि इसको भी हमने सॉल्व करना सीखा था, जेड की पावर बराबर 32 को 5 बार। फिर हमने सीखा जेड की पावर कुछ भी हो बराबर 1 हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम सीखेंगे जेड की पावर क्यूब बराबर 1 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम, ये तो उसका एक सबसेट है, तो बस उस पर भी सारी प्रॉपर्टीज वो सब वैलिड होंगी, बट उससे उसको स्पेशल क्यों माना जाता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंट है, चलन में ज्यादा है, मेंस वगैरह में भी या बाकी चैप्टर्स में भी वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वगैरह को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी सेम जो हमने पढ़ी है इसके लिए वैसे ही हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।